ओके, एक और स्टॉक है इन्फीबीम, जो आज सीरीज के पहले दिन जाहिर सी बात है, आज दर्शकों को बता दूं, आज भी बहुत सारे लोग, मैं जब रोज सुबह ट्विटर पे अपनी कमेंट्री देता हूं तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके भेजा, सर आज वो भेजे नहीं स्टॉक एफएनओ बैन में कौन से हैं, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीरीज के पहले दिन एक भी शेयर, कोई भी शेयर एफएनओ बैन में नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, सीरीज के पहले दिन कोई बैन में नहीं होगा। तो इन्फीबीम जिसने पूरी सीरीज आराम से बैन में बिताई है, आज पहले दिन वापस लगता है बैन में जाने की तैयारी तो कर रहा है, 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन 6% स्टॉक भागा है आज, 1100 पर आ गया। किरण क्या करें यहाँ पर? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है अनिल जी, और वॉल्यूम भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है, इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 1070 का, वो भी क्रॉस किया है, तो इनको लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1065-70 के नीचे, और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि एक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 1130, तो 1130 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिलेंगे, शायद सोमवार या मंगलवार को ही देखने को मिलेंगे, पर उधर एक रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर लेवल क्रॉस कर देगा तो फिर वन वे रैली आपको देखने को मिल सकती है अच्छी खासी। किरण, आज सिगरेट स्टॉक्स काफी अच्छा ट्रेड देख रहे हैं, आईटीसी पर ही नजर डालिए, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, उम्मीद थी कि शायद टैक्स बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, जीएसटी में थोड़ी सी रिस्पाइट ही माना जा रहा है, जिस तरह से सिगरेट का टैक्सेशन निकल कर आया है, शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट है बाजार में, आईटीसी में इस वक्त करना क्या चाहिए? टेक्निकली एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज देखने में मिला है, करीबन 315 पे ब्रेकआउट मिला है, अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो उधर भी करीबन 12% की ओपन इंटरेस्ट राइज देखने में मिल रही है, और वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार देखने में मिल रहा है, पिछले करीबन एक महीने का डेटा लेते हैं तो करीबन एवरेज वॉल्यूम्स के 40% राइज देखने में मिल रही है, तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजिशंस बन रहे हैं और इधर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 315 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 332-335 के लेवल सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। एक और स्टॉक जो आज सीरीज के पहले दिन बैन से बाहर आने के बाद धुलाई झेल रहा है, वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, 5% टूट गया, एक्चुअली सारे कमजोर है, एचडीएल डीएलएफ, किरण या तो आई बुल रियल या फिर आपको इन दोनों में से कोई पसंद हो शॉर्ट करने के लिहाज से, डीएलएफ एचडीएल या फिर देर हो गई दूर रहे, क्या क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है कि इंडियाबुल रियल एस्टेट ही शॉर्ट करने की सलाह होगी, इतने अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने में मिल रहे हैं, करीबन 25% की बढ़त देखने में मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है स्टॉक, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो करीबन 192 के करीब है, तो अभी 200 पे ट्रेड कर रहा है, 192 के लेवल्स टेस्ट करेगा, स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है, 205 यानी 5 रुपए का रिस्क है और रिवॉर्ड करीबन 10 रुपए का है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। दो एविएशन स्टॉक्स हैं और दोनों पर ही दबाव है, इंटरग्लोब एविएशन ये ज्यादा दबाव देख रहा है, अच्छा खासा प्रेशर यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जेट एयरवेज भी प्रेशर में है, करीब करीब 2% का प्रेशर वहां पर भी है, इंटरग्लोब एविएशन के लिए तो खबर आ ही है और आज वो हेडलाइंस दिखाई दे रहा था कि वो शायद एयर इंडिया के लिए बिड कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अभी खबर आई है उसके बाद से हम प्रेशर देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? मुग्धा जी, इस स्टॉक में हमने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते तो करीबन 50% राइज देखने को मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी राइज है, तो बहुत शॉर्ट पोजीशंस बने हैं, पर इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 1210 के 10 के नीचे जब तक है तब तक शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल बनाए रखने चाहिए, निचले स्तर हमें देखने को मिलेंगे करीबन 1140 से लेके 1120, वहीं पे जेट की बात करें तो जेट में बिल्कुल मंदी करके ना चले, मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी, ये सिर्फ एक छोटा सा इंडिगो की वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर आता देख रहे हैं, मेरा मानना है कि इधर से बढ़त ही देखने को मिलेगी, इधर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 550 का, पर इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 570 का है जो कि टेस्ट करेगा और वही टारगेट्स मान के चलने चाहिए, पर 570 के ऊपर अगर चलना चालू कर देगा तो 630 के टारगेट्स इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो जेट में काफी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है चार्ट्स के हिसाब से। ओके, अच्छा ये तेजी का फायदा और किसी को हो रहा नहीं हो रहा, वो किरण सरकार को तो पक्का हो रहा है, देखिए 4.5% BEML भागा है, एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट करने की बात है लेकिन जिसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करने की बात सरकार पहले से कर चुकी है वो है BEML, और BEML देखिए स्टॉक 4.5% है, मजबूत 17% बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट, क्या दमदार तेजी हो रही है, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा, कितना भागेगा क्या करें?
अनिल जी, अगर बीटीएसटी का कॉल है तो यही लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इधर से 1570 1580 के लेवल्स देखने में मिलेंगे सोमवार मंगलवार तक, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और इधर से स्टॉप लॉस दूर नहीं है, 1495 का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये काफी शानदार चार्ट पैटर्न है। जो कुछ करेक्शन आया था 1560 से 1440 का, उसने फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म करके इमीडिएटली यू टर्न ले लिया है, तो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, इधर लॉन्ग करके जरूर चलना चाहिए। किरण, आज फार्मा स्पेस में हम काफी एक्शन देख रहे हैं, सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छा मूव दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पर आपको लगता है लॉन्ग जाया जा सकता है कहीं? अरबिंदो फार्मा में लॉन्ग जाने की स्ट्रांग सलाह रहेगी, क्योंकि हम ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी अच्छे देख रहे हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ भी ये स्टॉक चल रहा है। सवेरे एक अच्छी मूव हमने देखी 670 से लेके 685 तक, और उसके बाद हम कंसोलिडेट करते नजर आ रहे हैं। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉप लॉस 680 का रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 720 के लेवल देखेंगे अगले हफ्ते तक। तो ये पोजिशनल व्यू रखना चाहिए, लॉन्ग पोजिशन बना के रखनी चाहिए।